जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल किसान कार्यशाला। हम इस समय किसान कार्यशाला में चौपाल लगाने आए हैं। भारत का एक वीरों की धरती कहे जाने वाला प्रदेश राजस्थान, और ये तहसील कौन सा पड़ता है? बागोड़ा जिला, ये जालौर, अभी जिला जालौर, पुराना जालौर है, अभी सांचौर होना है। सांचौर, अच्छा एक और निकल गया इससे, जालौर से भी छोटा हो गया। यहाँ तो राजस्थान में जिले बहुत बहुत लंबे हैं, 300-300 किलोमीटर जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह में। तो सलीम भाई, सलीम ही बताया ना, पहले वीडियो भी देखी होंगी जी, आप बोल रहे थे आपको देखा था, तो कुछ समझ में आई चीज? देखी थी, बढ़िया है। अभी जो स्थिति बनी हुई है खान साहब, अभी जो चीजें बनी हुई है, स्थिति वर्तमान की, वर्तमान स्थिति को एक बार बयान करो कि किस कंडीशन में आप हैं यहाँ, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है अनार के अंदर, फंगीसाइड की है, और अभी ये दवाई बहुत डाला है। मैं बताता हूँ क्या क्या समस्याएं होंगी। अनार सड़ रहा होगा, सड़के टूट के गिरता है, काले काले दाग आते हैं, बिल्ट की प्रॉब्लम आती है, आधा पौधा सूख जाता है, आधा खड़ा रहता है, जड़ों में नीमाटोड है, ठीक है। उसके अलावा पत्ते कर्लिंग, रस चूसक कीड़ों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, इल्ली की बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है, ऐसा लगता है हमेशा कि न्यूट्रिशन है ही नहीं पौधे में, सूखा सा, बड़ा अजीब सा, मतलब हरा भरा जैसे पौधे चलना चाहिए, चमक वाला नहीं, मतलब हमारा पौधा होता नहीं, ठीक ना। और जब फल आता है तो ये गारंटी नहीं है कि पूरा फल जाएगा, बिल्कुल सही बात, फल टूट के गिरता है, और ज्यादातर तो समझिए कि कई बार तो झड़ जाता है, जो बचता है वो फंगस से खराब हो जाता है, हर प्रकार के फंगीसाइड मार लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। एक्चुअली इसके दो नुकसान है, एक तो हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, बिल्कुल केमिकल का, सीधी सी बात है, हमारे ऊपर तो आ ही रहा है। दूसरा नुकसान है कि हमारी जमीन खराब हो रही है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, जीवन भर यही देने वाली है। इसके अलावा नंबर तीन एक और नुकसान है, आपका अनार जो खा रहा है वो इसलिए खा रहा है कि मैं अनार का जूस पी करके शरीर में ताकत लेके आऊं, लेकिन वो इतना केमिकल पी रहा है कि वो किडनी खराब होने की स्थिति उसकी उसकी आ जाएगी, जितना जहर पड़ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अन्नदाता ना होकर के जहरदाता हो गए, अब चाहे वो जाने में हुए या अनजाने में हुए, बट हम कहीं ना कहीं लोगों को जहर बांट रहे हैं, बिल्कुल यकीनी बात सही है। कोई भी किसान, जो मेरा अपना मानना है अंदर से, मैं लाखों लोगों से मिला हूं आज तक, ये नहीं चाहता कि मैं जहर डालूं, लेकिन उसके पास समाधान नहीं है, समाधान नहीं, जानबूझ के कुल्हाड़ी कौन मारेगा पांव पे। जितने लोग समाधान लेके आते हैं, कहीं ना कहीं सबको अपना उल्लू सीधा करना है, अपनी दवाइयां किसान को बेचनी है। किसान भोले भाले हैं, दवाई लेते हैं, और उसके बाद में वो डॉक्टर साहब ना फोन उठाते हैं, ज्यादा फोन करो, दो तीन बार उठाएंगे, उसके बाद कहेंगे मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, इधर हूँ उधर हूँ, पिट के ये होना चाहिए। हमने तब तक आप 10-20 लोगों को नई तबीयत से ठीक ठाक करोगे ना, तब तक वो काबू नहीं देने वाले। भाई आप चीटिंग कैसे कर सकते हो, आपको पता नहीं आपके डब्बे में क्या है, तो भाई लेके क्यों आ गए इधर? उनके लिए आप एक ग्राहक हो, मार्केट हो, किसान नहीं हो, ग्राहक। तो किसान कार्यशाला ने जो मुहिम चलाई हम लोगों ने, क्योंकि हम किसानों के बच्चे हैं, सेना से निकले हुए हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार किसान को मरने से बचाया। किसान को मरने से बचाने का मतलब यही नहीं है कि जिस दिन आप फांसी खाने जाओगे उसी दिन मैं आपका फंदा निकालूं, नहीं ऐसा तो कभी होगा। अगर आपकी खेती को ही मैं ठीक कर दूं तो ये आपको मरने से बचाना हो गया। अभी आप 3 लाख रुपए फूक रहे हो 1,000 पेड़ों में, मेरे हिसाब से सारा खर्चा 75,000 से ऊपर का, बिल्कुल 1 रुपए का नहीं है। टॉप क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ से विदेशों में जाए आपका अनाज, बस आपको उस पे खेती करने की जरूरत है, नॉलेज की। अभी पीछे हमने एक लेक्चर लिया पूरा 1 घंटे का अनार पे, अगर आपने उस पद्धति को अपना लिया पौधा लगाने से, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी जो फंगस है जमीन में, शुरुआत तो वहीं से होती है, फंगस से होती है, ये आती क्यों है, कभी इस पर विचार नहीं किया? नहीं किया। हमारे जो पौधे की जड़ें हैं, जब नई रूट निकलती है पौधे में, तो जड़ों के, जमीन में दो ही चीज है इस ब्रह्मांड में पूरे में, अच्छी और बुरी, अच्छी और बुरी, फंगस अच्छी भी है, फंगस बुरी भी है। अभी हम इस घर में बैठे हैं, अगर हम यहाँ पे ना रहें तो यहाँ पे कौन कौन बुरे लोग आके बैठ जाएंगे? खाट पे कुत्ते बैठे मिलेंगे, यहाँ भंगड़ची गंजेड़ी शराब पी रहे होंगे आराम से कमरों में, सही।
होगा, बिल्कुल होना ही है। तो ये हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, उनको भगाने के लिए गांव से 4-5 आदमी इकट्ठे करके ला रहे हैं और फिर भगा रहे हैं, और फिर हम खुले दरवाजे छोड़ के जा रहे हैं घर से, वो फिर आ रहे हैं, फिर हम आदमी ला रहे हैं। अब हमने और आदमी बढ़ा दिए, अलग अलग जगहों के बढ़ा दिए, क्योंकि पुराने आदमियों ने आना बंद कर दिया। उन्होंने बोला तुम तो सुधरोगे नहीं, तुम्हारे घर में तो रोज कोई ना कोई आके बैठ जाता है, हम नहीं आएंगे, किसी और को बुला लो। उसके बाद आपने महंगे वाले किराए के गुंडे बुला लिए और लोग बुला लिए। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सही समझ रहा, बिल्कुल समझ रहा। फंगस आई, उसकी जड़ों पे अच्छी फंगस बैठनी चाहिए थी, लेकिन बुरी फंगस बैठ गई आकर के। आपने उसको मौका ही नहीं दिया, आप एक केमिकल लेके आए और आपने मारा और फंगस भाग गई। अब आपने फिर कुछ नहीं किया, माइक्रोब्स नहीं बढ़ाए जमीन में, वो फिर आ गई, आपने फिर मार दिया। अब आप उलझ गए, उलझ गए, बिल्कुल घर में रहना भूल गए, और अब वो उन्हीं से लड़ाई चल रही, बिल्कुल वो आ रहे हैं और आप आने नहीं दे रहे। अच्छा, वो अब बहुत ज्यादा तादाद में हो गए, आपके साथ कोई आने वाला नहीं रहा, बिल्कुल। अब आपकी स्थिति ये आ गई कि घर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो ये मार देंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल। समझाने का तरीका थोड़ा भगवान ने मुझे दिया है, ऊपर वाले ने। नहीं नहीं सही बात, किसान के समझ में कैसे डालना है, फंगस आती कैसे है। तो आपकी जड़ों में अगर नीचे ट्राइकोडर्मा और हर्जीनिया में एविरिडी नहीं है, मतलब मित्र फंगस नहीं है, आपके घरों में ताला नहीं है, यहाँ पे कोई मित्र आपका बैठा नहीं है, आप भी घर पे नहीं हो, तो यहाँ भैया कोई ना कोई आएगा। तो हमारे घर में सब लोग थे, लेकिन हमने अपने दोस्तों को भगा दिया बाहर वालों के चक्कर में। सही, आज वो बाहर वाले ही तंग कर रहे हैं, बिल्कुल। कल तक हमने उनको बुलाया, दारू पिलाई, बैठाया, उल्टे सुधे काम किए, और हमारा दोस्त उठ के भाग गया कि यार तुम तो खराब आदमी हो, अपने आऊंगा। बोले ठीक है मत आना। अब वही सारे लोग हमें तंग कर रहे हैं घर से निकालने के लिए, अब ये दोस्त भी नहीं आ रहा है, दोस्त ही नहीं आए। तो अब हमने फिर नए दोस्त बनाए, तो वो दोस्त ज्यादा तादाद में बनाने पड़ेंगे इन गुंडों से, तब जाकर के ये गुंडे रुकेंगे। अब नए दोस्त कौन है? ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम विरिडी, सुडोमोनास, बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजमनी सोपले, वर्टिकल में लगानी, पैसिलोमाइसिस, और आपका बेसिलस थ्रोनजेसिस, बेसिलस सबकिलिस। ये सब में से 4 तो इसमें से फंगस हैं, 2 ग्रोथ प्रमोटर हैं और एंटीबायोटिक हैं, और इसमें से 4 कीट का काम करते हैं। ये समस्त बीमारी वायरस जितनी भी आपको याद हैं या याद नहीं हैं या गूगल में ढूंढते हो, उन सब का समस्त इलाज है इनके पास। अच्छा, ये कितने लाख रुपए के आते हैं साहब? ये कोई लाख रुपए नहीं आते, इसका 3 रुपए प्रति एकड़ का खर्च है। 70 रुपए? 3 रुपए। 3 रुपए एक एकड़ का, अभी सुनते जाना। और मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये कांगे मुल्ला जी वो पीछे बैठे हैं, उनके यहाँ पे क्या हुआ कि नेमाटोड था, इन्होंने मेरे को फोटो भेजे, हमने इनको किट भेजी। भूप्रहरी और भूमित्र, आपने नाम सुना होगा, भूप्रहरी भूमित्र, जो मैं अभी नाम लिए वो 3 कैप्सूल में है। इसके अलावा एक किट और है, उसके अंदर हमने डाला, हमने क्या डाला, वो ऑलरेडी कुदरत में थे, हमने तो निकाल करके वापस से उसको जमीन में देने का काम कर रहे हैं। उसमें नाइट्रोजन के 4 हैं, फास्फोरस का 1 है, पोटास का 1 है, सल्फर का 1 है, जिंक का 1 है और डिकम्पोजर 1 है, 9 उसमें। अब ये इन्होंने बनाया और बना करके 1-1 लीटर पर पौधा दे दिया। उसके बाद नेमाटोड कहाँ गया उनसे पूछो, नेमाटोड खत्म और नया पत्ता चालू, इतनी इतनी कोपले निकल गई। खर्चा क्या हुआ, अब ये एक बार ले लो, चाहे 1000 पेड़ हो, चाहे 5000 पेड़ हो, चाहे 10000 पेड़ हो, बस एक बार लिया और 500 लीटर या 1000 लीटर की टंकी में बना दिया। बना दिया बनाने के बाद में उनको बताने नहीं, मीटिंग में काट ही दो। तो 1000 लीटर बना लिया, अभी 1000 लीटर मदर कल्चर हो गया, बीज बन गया। अब इससे 1 लीटर लेना है, 100 लीटर बनाना है, तब चाहे 500 लीटर बनाओ तो 5 लीटर ले लो। सही, ठीक है। ये वीडियो नंबर 972 में इसके बारे में बताया हुआ है, बना के दिखाया हुआ है। अब इसको आपने महीने में एक बार तो जमीन से छोड़ दो 200 लीटर, और महीने में 2 बार स्प्रे कर दो, ज्यादा बीमारी है 3 बार स्प्रे कर दो, ज्यादा बीमारी आंखों से दिख रही है तो प्योर स्प्रे कर दो, 200 लीटर बनाओ, प्योर का प्योर स्प्रे करके आ जाओ अपने खेत में। स्टिकर जरूर मिला लेना, सिलिकॉन बेस, हाँ। इसके साथ में कुछ भी 19-19 माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपको देना है वो दे सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
ये दिमाग से निकाल देना कि जीवाणु मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। दूसरी बात, दो स्प्रे सारी बीमारी खत्म। सब अंग्रेजी जितनी भी इंग्लिश इधर उधर की याद कर रखी होंगी, 10-20 नाम बीमारियों के, वो भूल जाओ। सिंपल साधा, अपन किसान आदमी है, दो बार नीचे, एक बार नीचे ठोकेंगे, दो बार से ऊपर स्प्रे। जय हिंद श्रीमान, हम ड्यूटी के लिए तैयार। समस्त बीमारी का इलाज। अभी जो 1 लीटर पड़ा, 1000 लीटर बनाया, ये 1500 की किट है और 1600 की किट का है वो एक है, दोनों मिला के 3100 की है। तो पहले एक की बात करते हैं, ये 1500 रुपए में कितना बना? 1000 लीटर। 1000 लीटर 70 रुपए की बोतल, 1.5 रुपए की। अभी 1.5 रुपए की बोतल से आपने 2 बोतल ली 3 रुपए की, बिल्कुल। और 3 लीटर से 3 रुपए की बोतल से कितना बनाया? 200 लीटर। चलो गुड़ का खर्चा भी जोड़ लो, 35 रुपए किलो, 70 रुपए का गुड़ लग गया, 70 और 3 73। हालांकि दवाई का जोड़ा जाता है, गुड़ का नहीं, पर टोटल खर्चा जोड़ते हैं 73 रुपए। 73 रुपए में 1 एकड़ का, 1 महीने का 73, वो और नीचे के 4 किलो गुड़, 3 चौक 12 120, लगभग 200 रुपए में 1 महीने का समस्त समाधान 1 एकड़ का। मतलब आप जो खर्चा, एक स्प्रे में 1 एकड़ में कितना खर्च करते हो 1 महीने में? हमारा तो हो जाता है 20-20 हजार से ऊपर होता है 1 एकड़ पे। बिल्कुल, 1 महीने में 20 हजार रुपए। तो एकड़ में आ जाते 400 पौधे। अब 20 हजार में, अब 20 हजार के आगे के 2 जीरो हटा दो, हाँ दादी, उतने में यहाँ काम हो रहा है। 2000 अब यहाँ कितना? 20 और यहाँ कितना? 200 सीधा 19,800 रुपए का फायदा सोचना आपको है। उसमें इतना यकीन नहीं रहता मेरा भाई, उसमें तो 10-15% 20% कितना रह जाता है वापस, वो है ना। देखो मैं बताता हूँ, मरते कई बार आपने सोचा होगा यार दवाई 20 ml डाली थी, पहले तो मर गए थे, इस बार नहीं मरे। हमने स्प्रे किया तो कुछ कीट हमारे इधर उधर होके बच गए, बच जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस दवाई को झेल लेते हैं, रेजिस्टेंट पावर बन जाती है। अब ये जो अंडे देंगे, इनके जो बच्चे आएंगे, ये 20 ml के साथ रेजिस्टेंट पावर लेके आएंगे इस टेक्निकल का, तो अगली बार यही मात्रा और ये टेक्निकल उनके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि तो इन्होंने वो लट खा लिए ना, पता कितने तेज मारेगा ये। बिल्कुल समझ गए, समझ गए। कई बार बच्चे को देखा होगा तुम्हारी रेजिस्टेंट पावर पता चल जाती है, कहता ऐसे मारेगा हल्का सा, इसलिए वो डरता नहीं तुमसे। ऐसे कीड़ों को पता है कि ये अच्छा, ये इतनी ये वाली मात्रा है, ये आ जा। अपन का बाप बता के गया कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ सकता। अभी आप क्या करोगे, फिर वो मात्रा बढ़ाओगे और टेक्निकल चेंज करोगे, वो फिर उसमें से 20% बच जाएंगे, कुल मिला के तुम मर जाओगे, ये नहीं मरेंगे। अब इनको मारना कैसे है? अब इनको मारना कैसे है? ये जो बैक्टीरिया मारोगे, ये इनकी बॉडी में प्रवेश करते हैं, इनके अंदर का प्रोटीन खा लेते हैं, गेम ओवर। प्रकृति का नियम है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं। तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, हर्जिनियम और विरिडी, ये नीचे से आपको फिनिश करेंगे बीमारी। आपका बचा आगे सुडोमोनास, ये पत्तों के ऊपर की फंगस, बेसिलस थोरेंजेसिस, ये भी काम फंगस का करता है और ग्रोथ प्रमोटर का करता है, एंटीबैक्टीरियल का करता है। एंटीबायोटिक लाते हैं ना? एंटीबायोटिक लाते नहीं, लाना है इसी में है। थोरेंजेसिस अंडा लार्वा प्यूपा, बटीसिन में लगानी, रस चूसक और आपके लठ इलिया, उनका काल है ये थोरेंजेसिस, और ये पैसिलोमाइसिस नीमाटोड का काल है, पूरा एक सिद्ध कैप्सूल ही दे रहे हैं हम नीमाटोड का, भयंकर स्पीड है उसकी, काम कर इतनी है कि इन्होंने डाला तो 8 दिन के अंदर इनका नीमाटोड भाग गया। 8 दिन में तो केमिकल का नहीं भागता है, 8 दिन में इनका भाग गया। अभी इनका नंबर इन्होंने बना रखा, अभी ये चालू करने वाले हैं। तो 3000 रुपए में, 3098 रुपए में आपकी समस्त खेती का उपाय, और हम लोग साथ फ्री। बिल्कुल खान साहब, इनको आप मुझसे समझ लो, हिंदी समझने में गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, आप सवाल मेरे से पूछोगे तो लाखों लोगों के काम आएगा जो वीडियो देखेंगे। बिल्कुल, वाली साहब तो आपके पास ही रहेंगे, मैं नहीं मिलूंगा। तो ये आप अपने खेतों में चलाओ, इसके अलावा भाई कोई उपाय नहीं। एक और उपाय है, माइकोराइजा। माइकोराइजा किसी भी पौधे की जड़ें जितनी शानदार चलेंगी,
उतना शानदार उसका रिजल्ट आएगा। पत्ती चौड़ी बन, हम आपको माइक्रो रैजे भी ओरिजिनल उपलब्ध करा रहे हैं घर पे, पर केबल बहुत भयंकर सस्ते रेट में 550 में घर। दूसरी बात, हमारी जो भी चीज़ रहेगी जिम्मेदारी की रहेगा, हवाबाजी की नहीं, इसीलिए वीडियो में बोल रहा हूँ, इसको लाखों लोग देखते हैं। बिल्कुल, कैमरे के पीछे तो कुछ भी कह के भाग जाओ, मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, मेरी जो भी चीज़ आएगी जिम्मेदारी के साथ आएगी, आपको फायदा देगी, ओरिजिनल है। मैं ये नहीं कहता कि आते ही जादू करेगी, हो सकता है इनके खेत में 8 दिन में रिप्लाई दे दिया, आपके में 15 दिन लगा ले, इस भाई के में 2 महीने लगा ले, इनके में तो आज ही दे दे रिप्लाई शाम को, ये कह रहे यार उनकी बिटिया ने इल्ली आई हुई थी जबरदस्त, लत बोलते हैं आप लोग, उसका बिटिया का भी इंटरव्यू लिया है मैंने, उनकी बिटिया ने स्प्रे कर दिया, वही करती है सारे खेती, उसने स्प्रे कर दिया, अब वो इनको बोल लेते अबू तो सपा इल्ली इल्ली गई एक ही दिन में, मर गई, तो क्या जरूरत है फिर लाने की, नहीं जरूरत नहीं, और कितने रुपए मरी, 1.5 रुपए में, हमारा हमने खर्चा कर दिया 5,000 का, फिर लट गई, ये अब हमें, और अगर हमने 4 चीजें पकड़ी ग्रोथ के लिए, बीमारी के लिए तो ये दोनों हो गए, ये भू प्रहरी, न्यूट्रिशन के लिए आपका भूमित्र, उसके अंदर नाइट्रोजन के फास्फोरस, आपकी मात्रा कम होगी ना डीएपी यूरिया की, जमीन में भरा पड़ा है भाई, पहले इसको तो खाली कर लो, इसको खाली कौन करेगा, ये जो आपने जमीनों में यूरिया डीएपी पोटाश भर के डाला हुआ है, ये पड़ा हुआ है, अब ये निकल नहीं सकता, तो छंडी तो है नहीं कि छान लो बैठ करके, इसको निकालेगा कौन, या पड़े हुए को पौधे को देगा कौन बैक्टीरिया, वो तुम्हारे खेतों में है नहीं, तो बैक्टीरिया चलाओ अपने आप यूरिया डीएपी पोटाश मिलेगा, पौधा खुद ही लपालप भागेगा। अब रही जड़े और कैसे काम करेंगे, 100 ग्राम जड़े 300 ग्राम कैसे बने, तो ओरिजिनल माइकोराइजा। अब आप चिपकू लाते हो, एक एकड़ का चिपकू लगभग 1200 रुपए का पड़ता है 1 लीटर, एक एकड़ का नहीं मतलब, तो ये 10 एकड़ में हो जाएगा, 10 एकड़ का 1200 का, 120 रुपए का तो पड़ता ही है, कैसे भी करके सोया मिल डालोगे 100 से 120 रुपए का आएगा, और केमिकल बेस होता है ये, सॉरी एल्कोहल बेस, अगर पत्ती पे ज्यादा पड़ा तो भाई साहब कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता है, आपके जो पत्ते चलते हैं वो स्टिकर की वजह से चलते हैं, बीमारी नहीं हुई वो स्टिकर की वजह से चले, किसान क्या करता है थोड़ा 50 ml बच गया डाल दे यार, उसको क्या लेके जाएगा घर पे, वो गड़बड़ है, हम लोगों ने बनाया है 10 ml का एकदम ऑर्गेनिक, 10 ml डालो 200 लीटर पानी में, और 10 ml में स्प्रे करके अपने घर आ जाओ, कितने रुपए का, 40 रुपए का घर पे पहुंचा के, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ कभी, इसमें सोचो मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं यार, और अगर अच्छी चीज है और उसको बेच भी रहे हो तो गलत क्या है, अच्छा व्यवसाय कभी गलत नहीं होता है, जिससे किसानों का भला हो, अगर स्टिकर नहीं लेना चाहते तो उसका भी उपाय बता देता हूँ, हमारे जो मित्र वो वाला ये भू प्रहरी किट है, भू प्रहरी में से 50 लीटर ले लो और 50 लीटर उसमें पानी डाल लो, और उसके अंदर एलोवेरा के पत्ते 10 किलो डाल दो काट के, और उसके अंदर 1 किलो गुड़ डाल दो, और उसको 20 दिन छोड़ दो, एक टंकी में 250 ml ले लो, तो स्टिकर का काम हो जाएगा, अब या तो वो बना लो या ये ले लो, एक और चीज, अब आपके पौधे को भैया हमें तो ग्रोथ के लिए फिर बाजार में जाना पड़ेगा, चलो आपने बीमारी का बता दिया, जड़ों का बता दिया, स्टिकर का बता दिया, अब फिर भी कुछ ग्रोथ प्रमोटर तो हमें चाहिएंगे, क्वालिटी तो बनानी है, तो आपने क्या करना है 10 ड्रम लेने हैं, एक ड्रम में आपके अनार के फूल अभी झड़ेंगे, एक ड्रम उनमें डाल लिया, 5 किलो गुड़ डाला, बाकी पानी भरा, मुंह पे पन्नी बांधी, 3 महीने के लिए भूल जाओ, ये न्यूट्रिशन। दूसरे में फल सड़े गले कहीं से भी ले आओ या अच्छे फल ले आओ, उसके अंदर तीसरे में सब्जी, चौथे में बेल, बेल आती है, आती है, ठीक है, पांचवे में सरसों की खल, छठे में चूने का पानी, 10 किलो चूना डाल के छोड़ दो, 7वें ड्रम में 2 किलो सुहागा, 8वें ड्रम में 5 किलो नीला थोता, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहा हूँ, 9वें ड्रम में आंकड़े के 40 किलो पत्ते, मैग्नीशियम और कैल्शियम वो होता है इनके अंदर, जिंक सॉरी मैग्नीशियम और बोरान, बोरान आता है, 9 हो गए, और 10वे में आप जो है गाय भैंस का पेशाब, अब इन सब में से जब स्प्रे करना है, जब ये 15 दिन वाला स्प्रे करो,
तो इन सब में से दो दो लीटर ले लो। वाह वाह, आपको दुनिया में किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं किसी का भी। अब या तो ये अगर ये 10 ड्रम नहीं बना सकते, सुन लो, अब ये 10 ड्रम नहीं बना सकते, अगर ये 10, देखो हिंदी में बात करो दुनिया को पता चले, नहीं तो लोग मारवाड़ी लोग कम देखेंगे इसको, बाकी बोले गुजराती बोल रहे मन ने गुजराती नहीं आवे वाली कहानी हो जाएगी। मेरे गुजराती भाई फोन करते हैं, मेरे को गुजराती नहीं आता है, तो मैं एक एक चीज याद कर रखा है मैंने, किसी ने बताते मुझे मने गुजराती नथी आवे, इतना ही आता है मेरे को, इससे ज्यादा गुजराती आती नहीं। तो अब अगर ये चीज नहीं बना सकते या मुश्किल लग रहा है, तो फिर एक आता है हमारा केला गुरु के नाम से, और नाम केले का है मगर वो आप किसी भी फ्रूट में डाल सकते हैं, वो अनार गुरु ही बोल लो आप उसको, वो किसी भी फ्रूट वाली फसल में काम करेगा, आम पे करता है, अनार पे, अमरूद पे, हमने सब पे लगाया हुआ है। आप वो एक किट ले आओ, साल में 3 बार उसको देना है, साल में 3 बार एक बार दिया, मतलब आप अपने हिसाब से दे दो उसको 3 बार। मेरे हिसाब से फरवरी और ये महीना और 1 अक्टूबर का महीना। उसके अलावा जब फ्रूट क्वालिटी का समय आएगा, तो जब फ्रूट का साइज इतना हो जाएगा जितना वो बेर होता है, बेर होता है, फूल झड़ने के बाद जब वो ढोलक जैसी बनती है, उस समय में एक स्प्रे, उसके बाद से 20-20 दिन पे आपने स्प्रे लेने। क्या लेने हैं? एक तो ये कल्चर, इसमें स्टिकर, इसके अंदर अगर आप केमिकल खेती कर रहे हो तो आप ले लीजिए उसके अंदर 0050, ठीक है, या 13045, नहीं 19-19 का काम नहीं, फास्फोरस का काम उसमें है नहीं, फ्रूट में, फ्रूट का साइज इंक्रीज करना है तो 0050 2 किलो, और उसके अंदर अपना ये 400 ग्राम 200 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम HDL प्रोटीन, हाइड्रोलिसेट प्रोटीन, अमीनो एसिड प्लस मिनरल है वही जो ड्रम में है भाई, समझ गए, कोई जादू नहीं है, जो ड्रम में है वही पैकेट में ला दिया। उसके अलावा आधा 400 ग्राम HDL मिक्स न्यूट्री, सारे न्यूट्रिशन है, दुकान पर दिमाग नहीं लगाना कि आयरन लाऊं और ये लाऊं, जिंक लाऊं, फिंक लाऊं, बोरन लाऊं, सब है इसके अंदर। इनके आप 20-20 दिन पे स्प्रे मार दो जब तक आपका फल रहे, इतना ही है आपका खेती। एक साल में 5 साल से छोटे पौधे को 250 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फॉस्फोरस और 150 ग्राम पोटास की जरूरत है। 5 साल से ऊपर वाले पौधे को लगभग 500 ग्राम से 700 ग्राम के बीच में नाइट्रोजन और 250 ग्राम पोटास, 250 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता है। अगर इसको गोबर की 3 गुना खाद में मिला के दे रहे हो वीडियो नंबर 357 में, तो ये खर्चा जस्ट आधा हो जाएगा, 50% कर दो रासायनिक खाद को और गोबर की 3 गुना खाद में मिला के 10 दिन में रखो, वाली साहब के यहाँ बना हुआ है, इसको जाकर के खेत में डालो। साला इतना सा खेती है, तुम कहाँ ही जा पड़े हो भाई, अनार खेती खत्म हो गई मेरी, अनार का खेती फिनिश, नॉलेज नहीं सर, क्या करें, नॉलेज ही नहीं। अब आप सोचो जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये हवा हवाई है? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आप करो मैं साथ खड़ा हूँ, आपको लोग करने नहीं दे रहे खेती, बस बिल्कुल। हमें तो पता है कि ये बहुत हार्ड चीज है, अब बताओ कैसे हार्ड है जो मैंने बताया, इसमें क्या क्या लगा? हम तो सोच रहे हैं कि आप लोग हल्के मत, हमें तो बताया कि ये बहुत हार्ड कठिन, लोग कह रहे हैं कि ये इतनी हार्ड आपसे होगी नहीं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हमारे फौज में कहावत है कोई मुश्किल काम नहीं होता, हम रोटी खा के दौड़े, पहली बार जब फौज में गए तो हमें कहा कि हम बोले साहब खाना खा लिया आराम करेंगे, सिविल वाली आदत थी, बोले ससुराल में आए हो यहाँ, साला दोपहर में दौड़ा दिया, रोटी यहाँ से निकल रही थी बाहर भागते भागते। तो इसमें क्या है कि आपको अनार, और आप अगर अनार की खेती छोड़ो, गन्ना, अंगूर पे रोज स्प्रे होता है, डेली, रोज, एक दिन छोड़ के नहीं, रोज होता है। अब सोचो, अब अंगूर वाले कहेंगे तुम अंगूर खिलाने बंद करोगे लोगों को, हकीकत बात है, 250 ग्राम अंगूर खा लो तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी। अच्छा जितने भी फल आते हैं इनका जहर कैसे निकाले, तो खाने वाला सोडा आता है, वो कास्टिक सोडा आता है, एक बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको, कास्टिक सोडा नहीं बेकिंग सोडा, वो 2-4 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दो और उसके अंदर फल को 20 मिनट तक भिगो कर रख दो, तो काफी हद तक पेस्टिसाइड को निकाल देता है। आप लोगों के लिए खेती बहुत आसान है, अनार का पौधा काट दो, कैसे लगाना है मैंने अभी एक वीडियो बनाई है पीछे, अनार का पौधा लगाने से अनार टूटने तक की पूरी कहानी उसमें मैंने, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करना है, मतलब जहालत दूर करने की स्थिति है उसके अंदर सारी, कहीं भी समस्या आती है तो हम लोग फ्री सेवा में खड़े हैं।
ये ऐसी की तैसी हम बढ़ गए ये प्रोडक्ट जो मैंने नाम लिया मतलब साला एक भी हमसे केवल ये ड्रम बना लो 10 और मैं साथ खड़ा हूँ, मैं फिर भी आऊंगा गाड़ी लेके, मेरी गारंटी है। ये मत सोचना राहुल भाई अभी कौन से पैसे लिए, अभी मैं अपने पैसे से भूख रहा हूँ, क्या जरूरत है मुझे यहाँ राजस्थान में आने की। बिल्कुल भाई की जिंदगी बढ़िया कट रही, पेंशन आ रही, ठीक ठाक काम चल रहा है, मौज लूंगा अपने अपने क्षेत्र में, बस वहीं वीडियो बनाता रहूंगा 10-5 लोगों में। तो कौन 1100 किलोमीटर कार चला के आएगा भाई इतने महंगे के जमाने में। ये जो आप लोगों के साथ हो रहा है, आप लोगों के जो अंदर से तो जब नमाज पढ़ते होंगे तो निकलता होगा ना मन से, या खुदा कोई तो मसीहा भेज, तो उसने सुनी, उसने बजरंग बली का चेला भेज दिया तुम्हारे पास, बोला लो भाई इनका भला करके बेचारे परेशान है। सलाह बहुत बड़ी होती हो, सलाह ही मेन है, सबसे बड़ी बात है हाथ पकड़ना कि तुम गंगा में पार करो, नदी में डरो मत, मैं तुम्हारा कुर्ता पकड़ा हुआ है और तुमको गुरु जी साथ रहना, अरे मैं साथ हूँ तेरे, तो तुम कितने बड़े उसमें चले जाओगे पार। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैंने कहा था देख भाई मैं नहीं आऊंगा तू जा, तो उनका मैं भी नहीं जा रहा फिर, चाहे कुछ भी नहीं है। मौली साहब ने कहा कि इस घर में मत जाना, भला है इसमें जीना है, अपन को पता ही नहीं अनार के बारे में। असल में यहाँ हुआ क्या है, वाली साहब ने अनार लगाया, इनको पैसा आया, अब इस रेगिस्तान में पैसा कमाना, भैया ने भी लगाया, इन्होंने भी लगाया, अभी सारे अंधो मकाने सरदार, इनको किसी को कुछ नहीं पता, इनको मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, एक कॉमन बात कर रहा हूँ किसान की बात। अब उसके बाद क्या है, अब इनमें तो पता किसी को कुछ नहीं, ये धक्का पेल से इसको किसी तरह अनार को वो पहली बार तो हो ही जाता, अब ये सारे डॉक्टर बन गए। अब कंपनी आई और कंपनियों ने इनको बंद कर दो, कंपनी आई और कंपनियों ने इनको पकड़ लिया, तो वली साहब आप हमारे खास आदमी हैं और हमारा सामान बिकवाओ। वली साहब ने बोला कि यार मेरा भी कुछ फायदा, मैं वली साहब की बात नहीं कर रहा, कभी तुम सोचो कि वली साहब को टारगेट उदाहरण दे रहे सर, उदाहरण चलो आपका नाम ले लेते हैं सलीम भाई, ठीक है सलीम भाई को पकड़ेगा, सलीम भाई तुम्हारा अनार कितना 20,000 पेड़ भाई, इतने परसेंट तेरा, बस मेरा सामान बिकवा दे, बस आपने झूठ बोल दिया कैमरे के सामने आके कि मेरा अनार जो है वो इधर राहुल भाई के प्रोडक्ट से हुआ है, अबे लाना तो तुम्हारे ऊपर कीड़े पड़ेंगे साला मरते वक्त, हमारी कवर में भी कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से कैमरे के सामने लाखों लोगों का नुकसान होने वाला है। बिल्कुल तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोलो, साले तेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है, इधर आके तो जूता मारूंगा तुझे, पकड़ के पी लो उसको, 10-20 दिन इधर खेत में काम करो साले को, कपड़े लत्ते छीन लो सब, तब उसको छोड़ो 20 दिन खेत में काम कराने के बाद। किसान ही किसान का दुश्मन है, झूठ बोलता है कैमरे पे किसान, बिल्कुल मैंने देखे भैया क्या बोलना है, अरे मैं कुछ भी बोल, मैं भी आया यहाँ, मैंने आपको बोला क्या बोलना है, नहीं बोला आपको, बोला था कि तारीफ करनी है, अबे जो है वो बोलो, जो नहीं है वो भी बोलो, अगर मेरी किसी चीज में सुधार करना है तो बताओ कि फौजी भाई ये चीज यहाँ पे गड़बड़ है, हम साला सुधार करेंगे, कैमरे के सामने करेंगे, शर्म किस बात की है, हमारा देश मेरे किसान मेरा देश, मैं तो नंगा होके काम करूंगा, मुझे किस बात की बेइज्जती है, शर्म मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, जरूरी थोड़ी मैं कोई खुदा का तीसरी टांग हूँ कि मैं जो बोलूंगा वही सही है, क्या पता मैं थोड़ा सा गलत हूँ। अभी लोगों ने मुझसे कहा कि पत्ता झाड़ने के लिए मेथरल का प्रयोग करते हैं, तो मैं बोला जी मेरे इस बात की मुझे इल्म नहीं है, पता करके बताऊंगा, वैज्ञानिकों से पता करूंगा जो मेरे अनार के वैज्ञानिक है कि भाई वो लोग पत्ता झाड़ने के लिए ये डाल रहे हैं, क्या ये सही है या इसका कोई और भी विकल्प है, तो वो बताएंगे। सबसे बड़ी बात है, अभी बात कर रहे थे गाड़ी में पानी की खींच, तुम फल तोड़ने के बाद अनार को पानी की खींच दे दो, ये खुद ही पत्ते गिरा देगा, का दिमाग लगा रहेगा एथरल डाल के, एथरल डाल के पौधे में हलचल पैदा कर रहे हो तुम, अरे पानी को तान देना पड़ेगा 20 रोज 25 रोज 2 महीना भर रख दो ना। अब जो सबसे पुराना आदमी है केले उसका अनार का, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं, साले जाहिल इकट्ठे हो रखे, वो बंदा बोल रहा है सुन लो तुम्हें तमीज, अब सालो अनार तो मैं लाया था, बोले भूल जा अभी तो लाया, अभी स्थिति ये आ गई कि इनको कांटा मुंह में फंस गया मछली, अब ये कह रहे हैं या अल्लाह किसी तरह एक बार निकाल दे, दोबारा कांटे के पास नहीं जाऊंगा, अब इनको ये समझ नहीं आया कि अनार को उखाड़ू या रखू, उखाड़ता हूँ तो खाऊंगा क्या, रखू तो मरा जो है वो भी गया, गलत बोल रहा हूँ, ये सही बात। अभी इस समय पर जितनी बार भी नमाज पढ़ते होंगे एक ही दुआ करते होंगे खेत को देख के, अल्लाह किसी को भेज दे कोई तो आ जाए, सही बात है। तो शायद उसने सुनी ऊपर वाला तो एक ही है, वो तुमने हमने उसके नाम बदल दिए, लेकिन वो तो एक ही है, खुदा तो एक ही है, दुनिया में अलग अलग खुदा नहीं है, दो खुदा नहीं है इस दुनिया में, एक ही है, राम कहो अल्लाह, वो नाम अलग अलग, पूरा हाथी किसी ने नहीं देखा, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने पूछ, उसने उस हिसाब से बता दिया हाथी ऐसा होता है, देखा किसी ने पूरा हाथी नहीं, तो कुल मिलाकर के खेती इतनी सी है, क्या है छोटी सी, ये दोनों बैक्टीरिया माइक्रोराइजा और चिपकू, चाहे घर बना लो या बाजार से ले आओ, और भैया ये 10 ड्रम बस खेल खत्म, इतना ही खेती है। जैसे इनका तो मैं बंद कराने वाला हूँ, इन्होंने ट्यूब लगा रखी है,
वो वाली न्यूट्रिशन वाली, तो काय को यूरिया डीएपी पोटाश लाओगे भाई? इतना ही चाहिए एक तो अगर वो नहीं कर सकते तो ये ले आओ। हमने हिसाब जोड़ा था आज दिन में बैठ के, सारा यूरिया डीएपी पोटाश सब अगड़म बगड़म तगड़म जितना भी और फालतू मिला के टोटल खर्चा 21 का बैठ रहा था एकड़ का, 400 पेड़ों का, 25 का, 25,000 का, तो 25 दुनी 50, लगभग 60,000 से 70,000 रुपया खर्चा है हजार पेड़ों का, और टॉप क्वालिटी। और सुनो, उस अनार को लेने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आएंगे कि राजस्थान के जालौर जिले में खोखा गांव में ऑर्गेनिक अनार होता है। बिल्कुल, लोग कहेंगे भाई साहब मुझे दे दो, अपनी कंपनी के चिट अनार पे लगाएंगे और यहां से सीधा दिल्ली घरों में एक्सपोर्ट करेंगे। ऑर्गेनिक अनार है जी, उन्हें यो नहीं पता सालों राहुल जवान ने उगवाया था, मेरे को कोई पूछ नहीं दिया। अब जनक तो मैं ही हूँ, तुम्हारी जहालत तो दूर मैंने करी, मेरे को कोई पूछेगा भी नहीं उस टाइम, देख लेना जब ऑर्गेनिक अनार शुरू हो जाएगा मेरे को लोग पूछेंगे भी नहीं ये कौन था, बोले सालो यही तो लाया था ऑर्गेनिक पे, नहीं तो हम तो मर गए थे। आजी साहब लाया ऐसा हो जाएगा तो ये क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा विचार है इनकी स्थिति। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी सी खेती है, इसको इतना बना दिया। अच्छा बनाए इसलिए, अगर डर ना हो तो आदमी काम ना करे। बिल्कुल, अब अगर आपको कोई ये ना कहे कि खुदा ये कहे कि यार एक काम करो, सपने में आ जाए रात को कि कोई नमाज पढ़ने मत जाना, मैं जन्नत सबको दूंगा, मेरी गारंटी, साला एक आदमी नमाज पढ़ना चला जाए, अकेला मौलवी चिल्लाता रहेगा या दो चार ईमान वाले बली साहब जैसे दो चार आदमी जो बेचारे बुढ़े आदमी है वो कहेंगे यार देखो अब आदत पड़ टांगों को आदत पड़ गई, उठो और मस्जिद की तरफ जाना है इतने बजे, वरना तो हमसे बाल तो क्या कहेगा, जन्नत तो मिलेगा यार, कौन चक्कर में पड़ेगा इतनी दूर रहना जा रहा। गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे, डर है सालो कयामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा, ऊपर जाकर लाइन में लगूंगा, इधर नमाज पढ़ने गया था कि नहीं गया था, मार साले को चार कोड़े। समझ रहे हो? तो डर ऐसे ही हमें खेती में भय बना रखा है कि ये नहीं डाला तो अनार भूल जाओ, ये नहीं किया तो अनार भूल जाओ। अरे भाई यार हमें बकसदा मर गए यार, तरस नहीं खाते किसान पे, कोई तरस नहीं खाता है, जालिम भी जब मारता है तो थोड़ा बहुत बकस दे, हमें तो वो भी नहीं बकसते, मरे हुए को भी मारने की कोशिश में लगे हैं। अरे आप 10 लाख की जगह 15 लाख के नीचे आओगे तो आपको जमीन मेरे लेनी है, जमीन और खरीदेंगे तुम्हारी आवाज के बाद में, इसको हम ठीक कर लेंगे, तुम हमें दे दो, जाओ कर्जदार हो जाओ तो हमको जमीन दे। तो भैया मैं तुम्हारे लिए 1.5 रुपए में समस्या का समाधान लेके निकला हूँ, मर्जी आप लोगों की है, उसको करो या मत करो। अब तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात ऑप्शन नहीं है, तुम गड्ढे में हो, एक बार रस्सी डाल लाऊं, मेरे अलावा रस्सी आनी भी नहीं, अब ये रस्सी नहीं पकड़ी तुम ये चक्कर मत रहोगे लोहे की रस्सी के उसकी पकड़ लो, ये रस्सी नहीं पकड़ी तो गड्ढे में रहोगे फिर, ऊपर से बारिश आ रही ये भी याद रखना, गड्ढा भरेगा खेल खत्म। या कोई उपाय है बताओ? नहीं उपाय नहीं। अच्छा मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तो जीवाणु है। अच्छा कहीं से भी ले लो, अगर इतने सस्ते और इतने पावर में ठीक ठाक मिल जाए तो जो रिजल्ट दे उससे पूछो भैया रिजल्ट चाहिए मेरे को, यानी बार कोड ले ले मेरे पैसे दे दे। मैं तो ये भी बोलता हूँ आप बनाते समय वीडियो बनाओ मेरा सामान डालते हुए, और खेत का वीडियो बनाओ और एक एंगल से बनाओ और उसको पूरा यूज करो, उस एंगल की सारी वीडियो मुझे भेजो, या इकट्ठे रखो अपने पास, अगर रिजल्ट नहीं आता तो ईमानदारी से पैसे ले लो अपने, किसान का पैसा हराम का पैसा नहीं है। तो अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन डाले हुआ नहीं उनको, आपका नीमा तोड़ तो भाग गया, लट भी भाग गई, पत्ते भी हरे निकल गए, और अभी देखो क्या जादू होगा, अभी तो एक ही बार डाला है और अभी तो दिन ही कितने हुए, अभी तो मैंने उनको बोला स्प्रे और करो, फिर आप देखो कमाल। तो हमने ये अभी दूसरी की दवाई डाली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? इसका असर भी नहीं होगा, साइड इफेक्ट के बाद छोड़ो, 8 दिन के बाद ये अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, जहाँ 4 दिन सूर्यदेव निकले इसको खा जाएंगे सब। ये स्प्रे कितने बजे करते हो? स्प्रे सुबह करते हैं। हाँ ये तो गड़बड़ है, स्प्रे कभी भी शाम के वक्त करना चाहिए, सुबह के वक्त स्प्रे का, दोपहर के 2 बजे के पहले अगर कुछ भी एनर्जी वाली चीज आपने दी, दवाई में क्या एनर्जी तो है, तो वो उसको भेंट चढ़ जाती है। बिल्कुल, कोई साइंटिफिक रीजन है ये? तो कभी भी स्प्रे करो 3 बजे के बाद, भले रात को 8 बजे तक करते रहो, सही डबल रिजल्ट मिलेगा स्प्रे का। और पूर्णिमा अमावस्या हमारे यहाँ बोलते हैं, जिस दिन चांदनी रात चालू होती है और जिस दिन अंधेरी रात चालू होती है, 14-14 दिन पर कैलेंडर में लिख कर रख लो इस दिन स्प्रे करना। अच्छा ज्यादा एरिया है तो 2 दिन पहले से चालू कर दो, 14 तारीख को स्प्रे करना है साला 12 से चालू कर दो। क्यों? क्योंकि उस दिन ये अंडे देते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं, अगर आपने इनके प्रजनन को ही रोक दिया
तो बच्चे कहाँ से देंगे? बिल्कुल, उस दिन पानी का भी स्प्रे करोगे तो काम चलेगा, खाली पानी का। हाँ, जिस साल अमावस्या पूर्णिमा को अगर बारिश पड़ जाए, दो बारिश भी सितंबर के बाद, उस साल बीमारी नहीं आती खेतों में, नहीं आती। कई बार आपने देखा होगा अचानक से ऐसा होता है कि यार इस बार बीमारी नहीं आई, ध्यान करो बारिश किस दिन आई थी? अमावस्या पूर्णिमा के दिन, उस दिन ज्वार भाटा आता है, पूरी प्रकृति आपस में एक दूसरे से मिलने की कोशिश करती है। कारण समझो, कारण पे काम करो, इतनी सी खेती इसको इतना बड़ा बनाए बैठे हो, बाप रे, कुछ भी नहीं है। सही बात। आप अभी किसी के डाइटिशियन के पास चले जाओगे मुझे वजन कम करना, वो तुम्हें 1,00,000 कहानी सुना देगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे बाप रे वजन कम करना इतना मुश्किल काम है क्या? अबे कुछ नहीं, सुबह उठ 5 किलोमीटर दौड़ का बाबलों की तरह, आके डंड मारो पेट अंदर, सही। तुम पड़ गए डाइटिशियन के चक्कर में, मशीन लेके बैठे इतने ग्राम फूल, इतने ग्राम ये फल, इससे पेट कम होगा? मेरा है एकदम सूद दूंगा, मौका तो मिले मुझे दौड़ने का, गाड़ी चला रहा हूँ दौड़ने के बजाय उस समय पे। बिल्कुल। तो बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, किसी का भी कोई सवाल होगा कैमरे के सामने आप पूछना चाहते हो? नहीं भाई, पूछो अगर हुआ तो, बचा है कंफ्यूज हुआ तो, कोई मेरे से छुट गई होगी कोई चीज है कोई? हाँ, अपने आप कह रहे हो भूप्रेरी का स्प्रे करने की जीवाणु, तो सर अगर फल लगे हो तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? फायदा देगा भाई, साइड इफेक्ट नहीं है, फल खराब तो नहीं होगा? ना ना ना, फल खराब कर रहे हो, ये फायदा देगा, ये जीवाणु है, ये तो उसको सुरक्षित रख रहा है, ये ही उसको सुरक्षित रखेगा। ये फल के ऊपर जो पैथोजेंस आएंगे हमारे, जैसे फंगस है या कोई कीड़ा है या कुछ भी, ये उनको क्लीन करता है। इसको फल से कोई लेना देना नहीं है, इसको केवल उनको खत्म करना है, पैथोजेंस को खत्म करना है, फंगस को खत्म करना है, वायरस को खत्म करना है, कीट को, और यही बचाएगा, यही क्वालिटी मेंटेन करता है। मेरे आम पे इस बार मैंने स्प्रे किया तो टॉप क्वालिटी का आम बन गया, एक नंबर, और मजबूत इतना कि आंधी में नहीं टूटे आम। अभी तक भी मेरी वीडियो देखना, उसमें 4-4, 5-5 आम लटके हुए वीडियो में दिखाया मैंने, 5-5 आम वीडियो में दिखाया मैंने, 5-5 आम लटके हुए, वरना तो आम टूट जाता है। ये स्प्रे कितना क्या खर्चा हुआ एक आम के पेड़ पर? तो कुछ भी खर्चा नहीं है, मैं तो 1 लीटर डाला, 20 लीटर में ऐसी मार दिया, मजे में नहला दिया, और केवल 2 ही बार कर पाया था, जबकि होना चाहिए 6 से 7 बार। एक बार बोर आते समय, एक जब छोटा छोटा था, मैं घर उसी टाइम रुका, अभी तक आम चले भाई साहब, थक गए लोग। तो आप लोग इधर बढ़ो तो सही, बिल्कुल राइट बात, तो ये चीजें करो, मुश्किल खेती नहीं है पर लेकिन बहुत आसान है, अगर ये नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है। बाकी और किसी का कोई सवाल हो तो आप कैमरे के सामने एकदम ओपन पूछ सकते हैं। मिर्ची अभी बताई, मिर्ची का भी यही है और सेम ही है वो, और ऊपर भी। अगर आपको अस्सलाम वालेकुम करने से वही मजा आ रहा तो उनको भी आ रहा है, अब तुमको इसको भी अस्सलाम वालेकुम से वही मजा आ रहा है। भैया खुदा तो सबका एक ही, मतलब आगी बीमारी हो, आगी बैक्टीरिया, आगी जमीन में हुई चीज है ये, तो मैं अनार के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनार की बेल्ट में बैठा हूँ। दुनिया की सुनो, दुनिया की किसी भी फसल में वही रस चूसक कीट तुम्हारी मिर्ची पे लगता है, वही अनार पे लगता है, कोई वैरायटी अलग थोड़ी है उसकी। और ये एक साथ एक एक को खत्म नहीं करते, एक एक चीज 200-200 प्रकार के कीटों को मारता है, इसीलिए 9 बनाई है, और 9 × 2 1800 प्रकार के कीट, इतना तो तुम्हें याद भी ना होने के, 1800 प्रकार के, 5-7 याद होंगे या 20 याद होंगे। तो ये अनंत संसार है, इसके बाहर कुछ नहीं है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोल रही है, भारत सरकार बोल रही है। बस इस चीज को लोगों के सामने लाने की जरूरत है, जो लोग नहीं ला रहे क्योंकि इसमें फायदा नहीं है। बिल्कुल, ये चीज है। आपका कोई और सवाल? आप मिट्टी को ऊपर करो जबरदस्त, ठीक है साहब।